कि कहीं से कोई किसी ऊपर कोई उंगली न उठे। हम लोगों ने बहुत ही निष्ठा से सर्वे रिपोर्ट तैयार किया है, जिसे आज हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष जहाँ तक उम्मीद है 12 से 2 के बीच में सौंप देंगे। राजन मिश्रा जी ने भी रिपोर्ट सबमिट की है 2 पेज की, क्या उसको भी आप लोगों ने ध्यान में रखा, क्योंकि उनकी तो 6 मई तक की रिपोर्ट है? जी हाँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कल शाम को अजय मिश्रा जी जो कोर्ट कमिश्नर थे, उन्होंने भी रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। जो उसके पहले जो उन्होंने सर्वे किया था, उसी की रिपोर्ट उन्होंने जो है सौंपा है। तो सर, वो जो रिपोर्ट आई है, अजय मिश्रा ने जो रिपोर्ट दी है, क्या उसका कॉग्निजेंस भी कोर्ट ले सकता है? क्योंकि उन्हें तो अब हटा दिया है, तो क्या वो आपकी रिपोर्ट का पार्ट भी हो सकता है, और वो क्या कॉग्निजेंस कोर्ट उसका ले सकता है? वो हमारी रिपोर्ट का भी पार्ट होगा और कोर्ट जो है उस पर भी कॉग्निजेंस लेगी, क्योंकि लेकिन वो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के बाहरी क्षेत्रों का उन्होंने रिपोर्ट बनाया है, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो है वहाँ लोकल प्रशासन ने उस समय अनुमति उनको नहीं दिया था अंदर जाने के लिए, इसलिए बाहरी क्षेत्र का जो उन्होंने रिपोर्ट बनाया है उसको उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। सर, आज रिपोर्ट कितने बजे सबमिट करेंगे और उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है कोर्ट का रिपोर्ट सबमिट करने के बाद? हम लोग को पूरी उम्मीद है कि 12 से 2 के बीच में रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर देंगे माननीय न्यायालय के समक्ष। अजय मिश्रा की रिपोर्ट लीक भी हो गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने दिया है अदालत में? अब लीक हो गई है, अब इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, अब वो उस पर माननीय न्यायालय जो भी चाहेगी संज्ञान लेगी उस पर। सर, आप एक बार रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, उसके बाद क्या प्रोसेस क्या रिपोर्ट का हियरिंग होगी, क्या होगा? रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उसका अवलोकन माननीय न्यायालय करेगी और फिर उस पर वो अपना संज्ञान लेगी, क्या करती है ये माननीय न्यायालय के ऊपर है। सर, आज ही कोई तारीख मिल सकती है अगली सुनवाई के लिए या बहस के लिए, कुछ ऐसा है? जी हाँ, आज भी जो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है, जो कल लगी थी, कल स्ट्राइक के कारण नहीं हो पाया था सुनवाई, उस पर भी आज जो है माननीय न्यायालय के समक्ष वादी प्रतिवादी पक्ष अपना अपना सहयोग अपना अपना विचार व्यक्त करेंगे। तो क्या सर, समय कम था, 2 रात जागने के बाद विशाल सिंह कह रहे हैं कि रिपोर्ट बहुत ज़्यादा सबमिट करनी थी और इसके लिए वक्त बहुत कम था, रात भर जग के रिपोर्ट तैयार हुई है? हाँ, ये तो सही बात है कि हम लोग एक दिन पूरी रात बैठ करके रिपोर्ट तैयार किए हैं और समय कम मिला है, और इसलिए कि करीब जहाँ तक मुझे अंदाज है 1500 से ऊपर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है, उन सबको भी सबमिट करना है, मुझे क्लिप सबमिट करना है, प्लस जो रिपोर्ट हम लोगों ने बनाया है इतने दिनों में उसको सबमिट करना है, तो इसलिए समय काफ़ी लगा, हम लोग को समय कम मिल पाया। कितने पन्नों की रिपोर्ट होगी? मेन रिपोर्ट तो लगभग 10-12 पन्ने की है और उसके एनेक्सन में काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है।